जब से यह महागठबंधन की सरकार बनी है और जंगल राज पार्ट 3 की सरकार बनी है, शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से लचर और चौपट हो चुकी है। बिहार में जंगल राज पार्ट 1 की सरकार थी, जंगल राज पार्ट 2 की सरकार रही, जंगल राज पार्ट 3 की सरकार रही, तो यह जब भी जंगल राज की जो सरकारें बिहार में क्रमिक रूप से आई, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को तो एक लचर और चौपट दिशा प्रदान की। तो आगे का भविष्य अगर निर्माण करना है तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था अर्थात शिक्षकों को सही रखने की आवश्यकता है। ये लोग सिर्फ आपस में तय करते हैं कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो महागठबंधन के जितने भी दल हैं, ये सिर्फ इसी लोभ में रहते हैं कि किसका पुत्र जो है वो राज करेगा और किसका पुत्र जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वहीं आज से अभ्यर्थियों ने शिक्षा बचाओ यात्रा की शुरुआत की है बिहार के चंपारण से। चंपारण से अभ्यर्थी निकल चुके हैं, तो वहीं पटना के राजभवन तक यह यात्रा चलेगा अभ्यर्थियों का। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के युवा नेता सुमित शशांक जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुमित जी, कैसे देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, आज से शिक्षा बचाओ यात्रा की शुरुआत की है? देखिए, मेरा मानना है कि जब से यह महागठबंधन की सरकार बनी है और जंगल राज पार्ट 3 की सरकार बनी है, शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से लचर और चौपट हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता दल यू और ये महागठबंधन के जो लोग हैं, इन्हें सर्वप्रथम बिहार की शिक्षा व्यवस्था के विषय में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी राज्य का जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा जो है वो किस पर टिका होता है? वह शिक्षा व्यवस्था पर ही टिका होता है। आज अगर हम किसी व्यक्ति को अगर भोजन प्रदान करते हैं तो इसका मतलब हम उसे एक दिन के लिए मतलब फीड करते हैं, परंतु अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी तकनीकी शिक्षा प्रदान कर दी जाती है और उस प्रकार से जॉब क्रिएशन जो है वो राज्य में अगर लेकर के आया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, तो इससे जो राज्य के युवा जो हैं वो बेरोजगार नहीं भटकेंगे। आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों से जब बिहार में जंगल राज पार्ट 1 की सरकार थी, जंगल राज पार्ट 2 की सरकार रही, जंगल राज पार्ट 3 की सरकार रही, तो यह जब भी जंगल राज की जो सरकारें बिहार में क्रमिक रूप से आई, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को तो एक लचर और चौपट दिशा प्रदान की। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए भी लालू यादव जी ने अपने पुत्रों को ही नहीं पढ़ाया, तो यह कहीं ना कहीं यह दिखाता है, यह प्रतिबद्धता उनके मन की दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनका कितना ध्यान था। और आज किस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो चौपट है, यह कहीं ना कहीं यह पूर्व में जो उन्होंने कार्य किए थे और पूर्व में जंगल राज के समय जो कार्य हुआ उसका परिणाम है। बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्त होते चले गए और अपराधी बन गए। बाद में आपने देखा होगा कि कुछ नौकरियां जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो कुछ नौकरियां शिक्षकों को प्रदान की गई, परंतु आज वही शिक्षक जो हैं कहीं ना कहीं इस महागठबंधन में उपेक्षित हैं। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से राज्य के अगर शिक्षक सही नहीं होंगे तो राज्य का जो भविष्य है वो अंधकार में होगा, राज्य का भविष्य चौपट होगा। तो आगे का भविष्य अगर निर्माण करना है तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था अर्थात शिक्षकों को सही रखने की आवश्यकता है। अमित शशांक जी, आपने कहा लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों पुत्रों को नहीं पढ़ाया, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाने की बात है। देखिए, ये लोग सिर्फ आपस में तय करते हैं कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वंशवाद जो है इनके परिवारों में भरा पड़ा है। इन सभी दलों में, ये जो महागठबंधन के जितने भी दल हैं, ये सिर्फ इसी लोभ में रहते हैं कि किसका पुत्र जो है वो राज करेगा और किसका पुत्र जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये सिर्फ आपस में इसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को चुना है या स्वेच्छा से चुना है, हमने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ाने का सपना देखा है। और उसी दिशा में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम सभी युवा
उनके पीछे खड़े हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ, पैसे से एक शिक्षक हूँ, तो मुझे भी शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं संवेदना है, क्योंकि अगर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सही रखना है तो बिहार में कम से कम शिक्षकों के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, शिक्षकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना चाहिए और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे वो राज्य का और राज्य के भविष्य का निर्माण जो है वो कर सके। लगातार नीतीश कुमार को केंद्र भेजने की बात हो रही थी, लेकिन महागठबंधन घटक दल के नेता हैं राजद के सुधाकर सिंह, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने से अच्छा है देश में राष्ट्रपति शासन। देखिए, जो व्यक्ति एक राज्य में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकता है, अगर वह व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे तो इसे आप क्या कह सकते हैं। इस प्रकार के जो सपने हैं तो प्रत्येक राज्य में, छोटे से मणिपुर का अगर कोई मुख्यमंत्री हो या फिर किसी भी अन्य राज्य का छोटा सा छोटे राज्य का मुख्यमंत्री हो और वो सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो सपना तो सबको ही देख सकते हैं, परंतु उस सपने को क्रियान्वयन करने की दिशा में उनकी लोकप्रियता कितनी है, इस विषय पर सोचने के लिए उन्हें सोचना होगा। और ये लोग सबसे बड़ा, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा स्वप्न क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति को विस्थापित करने की ये लोग बात करते हैं जिसने संपूर्ण विश्व में भारत का जो तिरंगा है इसे एक गौरव प्रदान किया है और गौरवशाली स्थान पर उस तिरंगे को रखा है और भारत के मानचित्र पर और विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में उसने लिखने का प्रयास किया है। तो ऐसे व्यक्ति को विस्थापित करने की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, यूरोप तथा विश्व के जो मजबूत राष्ट्र हैं उन सभी की कतार में खड़ा है और आप देखेंगे कि सभी राष्ट्र जो हैं किस प्रकार से सम्मान की दृष्टि से आज भारत को देखते हैं। आपने इसके पूर्व की भी सरकारें देखी होंगी जिसमें आए दिन बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे, आए दिन घोटाले हुआ करते थे, 2G 3G इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के घोटाले हुआ करते थे, कोल घोटाला हुआ करता था। तो इन घोटालेबाजों, इस प्रकार के जो घोटालेबाज लोग जो रहे हैं या फिर जिन्होंने मतलब कोई काम नहीं किया है और किसी अन्य पार्टी के सहारे, हमारी पार्टी के सहारे जिन लोगों ने मतलब सरकारें बनाई हैं, वो भी आज अगर इस प्रकार की सपने देखते हैं तो इन सपनों के विषय में तो उन्हें और जनता देख रही है और जनता कहीं ना कहीं इन पे हंसती है। तो जनता हंसती है नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार जिस तरीके से PM बनने की बात कर रहे हैं उन पे वो काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लगातार देश सुरक्षित है तो वहीं देश आगे बढ़ रहा है, देखा जाए तो तमाम अनेक देशों के मुकाबले भारत बहुत मजबूत है। हमारे साथ सुमित शशांक थे, भाजपा के युवा नेता थे। सुमित शशांक का यह साफ कहना है कि बिहार का शिक्षा मॉडल पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, अभ्यर्थी परेशान है, तो वहीं अभ्यर्थी जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वो ज्यादा। सुमित शशांक ने आगे यह साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों पुत्रों को नहीं पढ़ाया और मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अब बहुत गलत होगा। तो वहीं क्या कुछ कहना था भाजपा के युवा नेता सुमित शशांक का, आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।